स्तर पर ये जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता, ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी ज़मीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। और ये तो एक ही मिसाल है, सुरजेवाला जी आपको इस पर थोड़ा और बताएंगे, लेकिन वहाँ पे कितनी ज़मीन है, कितने हज़ारों का घोटाला किया गया है, नहीं मान। बात यह है कि राम, भगवान राम मर्यादा नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं, तो एक बहुत गंभीर बात है, इसीलिए हम यहाँ हैं। और मैं चाहती हूँ कि सुरजेवाला जी इस पे थोड़ा सा इलैबोरेट करें। शुक्रिया प्रियंका जी। प्रियंका जी ने जो उदाहरण दिया साथियों, ये अपने आप में राम नाम के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर और भाजपाई नेता कैसे लूट कर रहे हैं, ये उसका जीता जागता सबूत है।